हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी जो है टोह सीरीज घटना चक्र, टोह एक मिनट टोह सीरीज जो घटना चक्र की हमारी चल रही है, उसका आज थर्ड वाला है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब दिया गया, बताइए आप लोग। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। ठीक है, इसके तहत जो है 1956 के तहत जो है कितने राज्य, 14 राज्य और कितने यूटी, 14 राज्य और 6 यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, बताइए, कर्नाटक का, पश्चिम बंगाल का, पंजाब का या आंध्र प्रदेश का? तो सबसे पहले किसका हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है, भाषा के आधार पर जो है कौन से राज्य का गठन किया गया था, कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक, और 1956 में इसको जो है क्या किया गया था, सॉरी हाँ 1956 में इसी में क्या कर लिया गया था, हैदराबाद को मिला लिया गया था। इसको हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद को इसमें क्या कर लिया गया था, शामिल करा लिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग, कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को जो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बना, 1956 में हैदराबाद को मिला लिया गया, और हैदराबाद और उन 2014 में इसी से काट करके कौन सा राज्य बना दिया गया, 2014 में कौन सा राज्य बनाया गया, जल्दी बताइए आप लोग। तो इससे तेलंगाना काट के अलग कर दिया गया, तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक, कौन से, 29वां राज्य बनाया गया। ठीक, चलिए आइए, इतना डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, आइए थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा हरियाणा बताइए, हरियाणा गठन कब हुआ था, तो हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा जो 1966 में, ठीक, हरियाणा 1966 में, ठीक, किसके, सरदार हुकुम सिंह समेत किया था, सरदार हुकुम सिंह, याद रखेंगे ना आप लोग, सरदार हुकुम सिंह याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पंजाब से काटकर हरियाणा को क्या किया गया था, एक अलग राज्य बनाया था। दोनों की राजधानी कहाँ, हरियाणा और पंजाब की, चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ क्या, एक यूटी है, ये भी आप लोग रखेंगे, चंडीगढ़ क्या एक है, यूटी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन वही है, देखिए, हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर, आप लोग याद रखिएगा, 1 नवंबर 1966 को किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं, इंदिरा गांधी जी नहीं, सरदार हुकुम सिंह। इंदिरा गांधी को 1970 या, रुक जाइए, डेट मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है, 1970 या 71 है जो है, इनको जो पहली महिला भारत रत्न प्राप्त है। ठीक है, पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया गया था, क्या दिया गया था, पहली महिला जिनको भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य में वर्ष 2000 के मध्य प्रदेश मतलब एमपी से अलग हो गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राज्य, इसकी राजधानी को पहचानिए। तो मध्य प्रदेश से कौन बना था 2000 में, तो मध्य प्रदेश से कौन कट के बनाया था, छत्तीसगढ़ 2000 में कितने राज्य बने थे, 26वां राज्य बना था, 27वां बना था और 28वां बना था। ठीक है, 26वां राज्य कौन बना था, तो छत्तीसगढ़ बना था, कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ किससे कट के बना था, मध्य प्रदेश से। 27वां राज्य कौन बना था, उत्तराखंड, किससे कटा था, जो यूपी से, और झारखंड हमारा 28वां राज्य बना था। ठीक है,
झारखंड कौन सा बना था? 28वां, किससे कटा था? बिहार से, ठीक, बिहार से कट के बना था, ठीक, याद रहेगा ना? ये हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और छत्तीसगढ़ कब हुआ था बताइए? छत्तीसगढ़ कितनी तारीख को हुआ था? 1 नवंबर को, और झारखंड जो 15 नवंबर को, याद रहेगा ना? 15 नवंबर, सब नवंबर में ही है डेट। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोगों के सामने रहा है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय संघ का 23वां राज्य कौन है बताइए? अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, गोवा है या सिक्किम है, कौन सा राज्य? तो 23वां राज्य हमारा कौन सा? मिजोरम है, ठीक, मिजोरम 23वां राज्य है। 1987 में बना जो है 23वां, और 24वां कौन सा है? तो 24वां राज्य आप लोगों के सामने रहा अरुणाचल प्रदेश, एपी जिसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ये भी 1987 में। पहले 1972 में आया, एक क्या था 1972 में, एक यूटी था, याद रहेगा ना? क्या था? यूटी था, याद रखिए, क्या था? यूटी, यूनियन टेरिटरी था, ठीक। अब 25वां राज्य कौन सा था? 25वां राज्य हमारा कौन बना? गोवा। 25वां राज्य कौन सा? गोवा। आज राज्य निर्माण का जितना था मैंने सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया? कवर कर लिया, ठीक है। 1987 में गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1961 में इससे भी यूटी बनाया गया था, 1961 में, याद रहेगा ना? चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट, किस आर्टिकल के तहत इनका निर्माण, जो राज्य हमारे बनते हैं, तो आर्टिकल 3 के तहत, किसी राज्य का निर्माण करना है तो आर्टिकल 3 के तहत। और किसी बाहर के राज्य को अगर ऐड करना है, जैसे सिक्किम एक बाहर का राज्य था जिसको भारत ने अपने में क्या किया, मिलाया, कौन से? 35वां संविधान संशोधन 1975 में क्या है, सिक्किम को एक यूटी बनाया गया, ठीक है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, याद रहेगा ना आप लोगों को? चलिए सिक्किम हमारा 22वां राज्य था, याद रखिएगा, सिक्किम कौन सा था? 22वां। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब आ गया जियोग्राफी के क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से स्थलरुद्ध देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच में स्थित है, मतलब इसके चारों तरफ कौन कौन सी हैं सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। लग्जमबर्ग कौन सा है? ऑप्शन हमारा लग्जमबर्ग, या किसके किसके, जर्मनी के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा, फ्रांस के साथ और बेल्जियम के साथ, याद रहेगा ना? चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे हमारा लग्जमबर्ग, ये हमारा रहा लग्जमबर्ग, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, देखिए जर्मनी ऊपर है, कहाँ पे? जर्मनी, ये रहा जर्मनी, ठीक, और ये रहा लग्जमबर्ग, ठीक। इधर इससे किसके साथ है? फ्रांस के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्रांस है, ठीक, याद रहेगा ना आप लोग। और ये कौन सा है? बेल्जियम। स्थल रूप देखिए, ये बेल्जियम हो गया, ये हमारा जर्मनी वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और ये हमारा कौन सा हो गया? फ्रांस हो गया, ठीक, कौन हो गया? फ्रांस, ठीक। इधर इस साइड कौन सा? ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना, देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ठीक है। ये कौन है? प्रेग्यू है, ठीक है, और ये कौन सा? स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड, ये हमारा पूरा का लग्जमबर्ग, ठीक। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे स्थलरुद्ध सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा है? कजाकिस्तान। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा कौन सा है? कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक, कजाकिस्तान है, ठीक। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? लैंड कंट्री। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कर रहा है आप लोगों के सामने? एरा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है बताइए? कौन सा देश किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। सिडनी बताइए, सिडनी तो कहाँ, कहीं की नहीं राजधानी है, ये कहाँ की? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है, ठीक, वेलिंगटन। रियाद कहाँ की? तो सऊदी अरब की है, कहाँ की है? सऊदी अरब की कैपिटल कहाँ है? रियाद है, याद रहेगा ना? सऊदी अरब की कैपिटल कहाँ है? सऊदी अरब कैपिटल कहाँ है? रियाद। तो हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। सिडनी एक क्या है? शहर है, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का ही सिडनी एक शहर है, ठीक, जहाँ मैच वैच होते हैं, आप लोगों को याद होगा क्रिकेट मैच सभी वहीं पर होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने रहा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से आप लोगों को टॉस रीच घटना चक्र की मैं सारी वीडियो आप लोगों को कराता रहूँगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है बताइए? कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है बताइए? कौन सा है जल्दी बताइए? बेल्जियम है, हंगरी है, रोमानिया है या यूक्रेन है? बताइए फटाक से बताइए कौन सा है। तो स्थल रुद्ध
देश है पूछा, तो बेल्जियम अभी मैंने आपको बताया था, तो नहीं था बेल्जियम जो, ठीक है, तो कौन है बताइए? तो हंगरी हमारा क्या एक है, अस्थल रुद्ध देश है, याद रखिएगा, कौन सा? हंगरी, ठीक है, याद रहेगा ना, हंगरी क्या है, एक अस्थल रुद्ध देश है, ठीक। अब बताइए यहाँ यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल कहाँ है? क्यू है, यूक्रेन की कैपिटल कहाँ है? क्यू है, याद रखिएगा। बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल कहाँ है? ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है, जहाँ नाटो का क्या है, हेडक्वार्टर है, यहीं पे हमारा नाटो का क्या है, हेडक्वार्टर है। रोमानिया की कैपिटल कहाँ है? बुखारेस्ट है, कहाँ है? बुखारेस्ट, याद रहेगा ना, कहाँ पे है? बुखारेस्ट है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहाँ पे क्या है, हंगरी हमारा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हंगरी है, ठीक, यही है हंगरी। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में यूटी, यूटी की बात कर रहा है, यूटी में सबसे बड़ा कौन सा है, पहले ये बताइए बड़ा कौन सा है। तो अभी हाल ही में यूटी हमारा बना 2019 में, कौन सा? लद्दाख, लद्दाख क्या है? सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख क्या है? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हमारा, सबसे छोटा कौन सा है बताइए? सबसे छोटा हमारा है कौन? लक्षद्वीप है, कौन सा है? लक्षद्वीप, याद रखिएगा, कौन सा है? लक्षद्वीप, डी पार्ट इज द राइट आंसर। इसके बाद कौन सा है? तो चंडीगढ़ है, सेकेंड में सबसे छोटे स्थान पे कौन सा है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है बताइए? चंडीगढ़ है जो है हरियाणा और किसकी है? पंजाब की है, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की। आइए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने ए रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित, निम्नलिखित में वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं मिजोरम से लगी हुई हैं, ठीक है, मिजोरम के साथ क्या की हैं? सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मैप है, ठीक, किसका मैप है? इंडिया का, ठीक है, किसका मैप है? इंडिया का। यहाँ पे कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक, और यहाँ पे कौन है? नागालैंड है, कौन सा है? नागालैंड, याद रहेगा। यहाँ पे कौन है? नागालैंड के बाद मणिपुर है, ठीक, कौन सा है? मणिपुर, और यहाँ हमारा पड़ता है मिजोरम, याद रहेगा ना आप लोगों को, कौन सा है? मिजोरम, और एक कौन सा है? त्रिपुरा, ठीक, त्रिपुरा, यहाँ पूरा असम है, असम, और यहाँ पे कौन है? मेघालय है, मेघालय, ठीक, मेघालय। तो मिजोरम किस किस का? त्रिपुरा के साथ मिजोरम सीमा साझा करता है, मणिपुर के साथ करता है, इसके साथ करता है, ये हमारा इतने लोगों के साथ करता है, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड के साथ, ऑप्शन में नागालैंड के साथ नहीं करता, म्यांमार के साथ तो सीमा साझा करता है, ये इस साइड हमारा कौन है? म्यांमार ही पड़ता है, पूरा देश ही म्यांमार है, ठीक। तो किसकी किसके साथ? म्यांमार के साथ करता है, असम के साथ करता है, त्रिपुरा के साथ करता है, मणिपुर के साथ करता है और असम के साथ करता है, ठीक है। तो ए पार्ट इज द राइट, नागालैंड के साथ नहीं करता है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, 11th में क्या करा, अराजमंद, अराजमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से? मेहरू निशा, ए पार्ट मेहरू निशा, मेहरू निशा नूर जहां, नूर जहां को कहा जाता है, ठीक है, नूर जहां को कहा जाता है, किसकी पत्नी थी? जहांगीर की, किसकी थी? जहांगीर की क्या थी? पत्नी थी, ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी। लाडली बेगम, मुमताज महल को क्या कहा जाता है? अराजमंद बानो बेगम कहा जाता है, अराजमंद बानो बेगम कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को, अराजमंद बानो बेगम कहा जाता है, ठीक। ये किसकी पत्नी थी? मुमताज महल किसकी पत्नी थी? तो शाहजहां की थी, किसकी थी? शाहजहां की, ठीक है। शाहजहां का कार्यकाल कितना था बताइए? 1627 से कितना था? 1658 तक, ठीक है। यह एक क्या था? मुगल, मुगल शासक था, ठीक है, मुगल शासक था, ठीक, याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, 12, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा जो सिजदा दरबारी रिवाज, सिजदा को समाप्त कर दिया, कौन किया बताइए? सिजदा, सिजदा, सिजदा और फैबोश, एक प्रथा थी और नवरोज, ये तीनों स्टार्ट कौन किया था? बलबन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? बलबन द्वारा, ठीक है। यह एक क्या था, यह क्या था, एक दिल्ली सल्तनत, सल्तनत वंश का क्या था? दिल्ली सल्तनत वंश का क्या था? एक
शासक था, ठीक है, गुलाम वंश का। किस वंश का था? गुलाम वंश का, ठीक है। और इस चीज़ को समाप्त किसने किया था? ये तो स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको समाप्त कौन किया? इसको समाप्त किया था कौन? शाहजहां द्वारा। कौन किया था? शाहजहां ने इसको क्या किया था? समाप्त किया था, ठीक है, सिजदा और फैवोस। लेकिन नवरोज त्यौहार को जो है किसने समाप्त किया था बताइए? नवरोज सिजदा और फैवोस को तो शाहजहां ने समाप्त किया, लेकिन नवरोज को किसने समाप्त किया? इस चीज़ को आप लोग बताइए। नवरोज को समाप्त औरंगजेब द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा, याद रहेगा ना, किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है 13। निम्नलिखित में से मस्जिद मस्जिद पूर्णतया संगमरमर की बनी है, कौन सी मस्जिद? तो ये हमारी आगरा की मस्जिद जो पूर्णतया संगमरमर की बनी है, ठीक है। किसकी बनी है? संगमरमर की बनी हुई है, ठीक है। आगरा, इसको बनवाया किसने था? तो शाहजहां द्वारा, शाहजहां द्वारा, ठीक है। आगरा की ताजमहल को भी इसी ने बनवाया था, ठीक है। 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल कर लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और आगरा का जो डिजाइनर कौन था? तो अहमद लाहौरी जी थे, और निर्देशन इंसा खा द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन सा? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला जी थे जो है क्या किए थे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला जी थे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? शाहजहां, गुलबदन बेगम ने कहा कौन सी लिखी थी? हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? गुलबदन बेगम थी, ठीक है। इनायत खां जो है इसके लेखक थे, कौन थे? इनायत खां जी, ठीक है। कौन थे? इनायत खां जी, ठीक, कौन? इनायत खां। और अब्दुल अहमद हमीद लाहौरी क्या थे? इन्होंने पादशाहनामा के लेखक थे, कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी जी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कह रहा, ओम्स का नियम क्या परिभाषित करता है बताइए? ओम्स का नियम क्या, ओम का ला क्या होता है बताइए? भी बराबर आई आर होता है, यही होता है ना, भी बराबर आई आर, यही क्या है? इसमें इसका मात्रक क्या होता है? बोल्ट, बोल्ट। और इसको क्या कहते हैं? एम्पियर में, एम्पियर में मेजर की जाती है। और इसको, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो धारा और बोल्ट दोनों होते हैं, धारा और बोल्ट दोनों होते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। घरों में जो पंखे होते हैं, घरों के में पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, वो किस क्रम में होते हैं बताइए? किस क्रम में होते हैं घरों में पंखे बल्ब आदि जो होते हैं, वो हमारे किस क्रम में होते हैं बताइए? जल्दी बताइए। घरों के जो पंखे बल्ब आदि होते हैं, वो सब समांतर क्रम में होते हैं। किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। एक क्या होता है? हमारा श्रेणी क्रम होता है, और एक क्या होता है? समांतर क्रम होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम। यहाँ पे भी एक लगा हुआ, ठीक, ये मान लीजिए आर वन है, ये मान लीजिए आर टू है, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट क्या होता हो जाता है? आर वन प्लस आर टू, ठीक। और एक क्या है? श्रेणी क्रम है, इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम, श्रेणी, ठीक। समांतर में देखिए, समांतर, समांतर क्रम में कैसे लिखते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में होता है, मान लीजिए एक एक लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा है, ठीक, और एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? बैटरी लगी है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाता है? वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री, ठीक है, ऐसे आप लोग करके याद रखिएगा। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक चावक का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आर, आर बराबर कितना दिया है? 440 ओम, ठीक। और वी बराबर कितना दिया है? 110 बोल्ट, ठीक है, 110 बोल्ट। तो आई पूछा है, ठीक, तो हम ओम सलाह लगा दीजिए, वी इक्वल टू वी अपान आर हो जाता है। तो वी बराबर कितना दिया? 440, और आई बराबर 110, तो कट गया, कितना गया? 4 एम्पियर आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। तो कहाँ दिया है बताइए, सही है या गलत, क्या त्रुटि हुई है बताइए जल्दी से।
आई निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, गलती से ऊपर नीचे हो गया, एक मिनट, यहाँ 110 रहेगा, ये नीचे क्या रहेगा, 0 से 0 1/1/4, ठीक है, 0.25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.25, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए आप लोगों को क्या कह रहा है। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजी योग, कोई पॉइंट है, यहाँ कोई धारा आ रही है तो आई वन मान लीजिए, इसी पॉइंट पर ये कोई बाहर जा रही है, इसको मान लीजिए आई टू, यहाँ पे कोई आ रही आई थ्री, इन सभी का समेशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है, किसके बराबर, शून्य के बराबर होता है, तो कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है बताइए, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, एक धावन सोडा होता है, एक किसका है, धावन सोडा, धावन इसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा, ठीक है, Na2CO3 × 10H2 धावन सोडा, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, ये भी बहुत पूछता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कास्टिक, कास्टिक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, याद रखेंगे ना आप लोग, इसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसिड पुष्प है, बताइए, जिंक ब्रोमाइड है, जिंक ZnBr इसको बोलते हैं, जिंक नाइट ZnNO3 बोलते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला बता दें, जिंक ऑक्साइड ZnO, इसी को एसिड लेपन बोलते हैं, एसिड पुष्प या एसिड लेपन बोलते हैं, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच में एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेद किया जा सकता है, तो क्रुक्स, क्रुक्स कांच जो क्या करता है, पराबैंगनी किरणों में विच्छेदन उत्पन्न कर सकता है, जो हमें धूप के चश्मे होते हैं, धूप के चश्मे इसी से बनाए जाते हैं, धूप के चश्मे जो है हमारे क्रुक्स कांच के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, क्रुक्स कांच के बने होते हैं, याद रहेगा ना। चलिए पायरेक्स जो होता है प्रयोगशाला के, जो पायरेक्स कांच जो होते हैं वो प्रयोगशाला के उपकरण में यूज किए जाते हैं, ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग सामने रहा क्वेश्चन नंबर 23, हृदय, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो बर्नार्ड द्वारा, किसके द्वारा, बर्नार्ड द्वारा, विलियम हार्वेजियो रक्त परिसंचरण की खोज किए थे, किसका, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले व्यक्ति, संचरण, ठीक है, चलिए ऐसे लुईस पाश्चर जो टीका की खोज किए थे, किसका, टीका के खोज किए थे, ठीक, टीका के, चलिए माइक्रो, माइक्रोबायोलॉजी के फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है, लिवेन हाग जी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, लिवेन हाग जी को, ठीक, चलिए स्टेथोस्कोप जिसे डॉक्टर क्या करते हैं, इसके आविष्कारक डॉक्टर जिसे टेम्परेचर नहीं चेक करता जब किसी को बुखार होता, तो इसकी खोज किसने किया था, लेनेक जी ने किया था, कौन, लेनेक जी ने, कौन किया था, लेनेक जी ने, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का, जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो लिवेन हॉग जी ने किया था, जीवाणु की खोज कौन किया था, लिवेन हॉग जी ने किया था, कब किया था, 1676 में, 1676 में, ठीक है, विषाणु को खेज, विषाणु की खोज किसने किया था, ये तो जीवाणु हो गया, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं, इसकी खोज कौन किया था, इवानोवस्की जी ने, कब, 1892 में, याद रहेगा ना, इवानोवस्की जी ने इसकी खोज किया था। विटामिन की खोज कौन किया था, विटामिन, विटामिन की खोज जो फंक, फंक जी ने किया था, कौन किया था, फंक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डेयरी, डेयरी जो हम घर पे नहीं होती है दूध से डेयरी, डेयरी तो डेयरी आर्थिक रूप से किस गतिविधि के, तो प्राथमिक, डेयरी हमारे किसके, प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेक्टर के, ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारत में, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली गई है, बताइए कहाँ से ली गई, तो रूस से ली गई है, ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से कब है, जो बताइए 1951 से 66 है, ठीक है, सेकंड कहाँ कब से कब है, तो
तो 66 करें, 56 है ठीक है, 1956 से, 1956 से कब है, 1961 है ठीक है, 1961 है। थर्ड वाली 1961 से 66 है। फिर थ्री ईयर का क्या है, गैप है, थ्री ईयर का क्या है, गैप है, तीन के बाद 3 साल का गैप है। फिर चौथी फोर्थ वाली कब से कब है, 1969 से 1974 है। पांचवी कब है, याद रखिएगा आप लोग, ये 4 ही साल की थी, 1974 से 78 है, 1974 से 78 उसमें जो है जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और 2 साल का अनवरत योजना, इसके बाद क्या थी, 2 साल की अनवरत योजना आती है ठीक है। चलिए आज 5 बता दिया, कभी और ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पूरा मैं फिनिश कर दूंगा योजना ठीक है। 12 फरवरी उसके बाद जो 2015 में किसकी, इसके योजना आयोग की जगह पे क्या आ जाता है, हमारा नीति आयोग आ जाता है ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान, तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे कम योगदान, सबसे ज़्यादा सबसे अधिक जो सेवा क्षेत्र, सबसे अधिक कौन रहता है, सेवा क्षेत्र ठीक है, और सबसे कम कौन रहता है, प्राथमिक क्षेत्र ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में क्या किया है, दर्जा प्रदान किया, तो उत्तराखंड ने, उत्तराखंड में जो जिम कार्बेट था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, रामगंगा ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है ठीक है, रामगंगा नेशनल, क्योंकि इसी से होकर के क्या करती है, रामगंगा नदी क्या करती है, बहती है ठीक है। चलिए इसको बीच से बहती है। दक्षिण भारत को त्यौहार ओणम का संबंध है किससे, ओणम जो त्यौहार जो केरल में मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, महाबलीपुरम जी से संबंधित है ठीक है। केरल में क्या है, पेरियार नदी है, पेरियार नदी ठीक, और इसी पे जो है पेरियार नेशनल पार्क है और हाथियों के लिए जाना जाता है, किसके लिए, हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में NABARD नाबार्ड, जो हमारा नाबार्ड है उसके बारे में, उसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखता हूँ कौन कौन लोग बताते हैं इसके बारे में ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।